किसी बच्चे को क्लास 2026 टारगेट करना है तो उसके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का आई थिंक uh, एक मुहावरा है ना काल करे सो आज कर आज, आज करे सो अब द ओनली थिंग दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू रियलाइज इज कि क्या मुझे ये करना है अगर आपको लग रहा है कि ठीक है आप खुद से कर सकते हो ग्रेट एज अर्ली एज लोगों ने दो साल पहले से शुरू कर दिया था जब उनने hmm. 11th स्टार्ट किया था अब है कि मेरे पास एक साल है अब मैं भागना शुरू करूँगा hmm. तो आपके ऊपर स्कूल का भी प्रेशर धीरे धीरे आना शुरू hmm. हो जाएगा फिर देन यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट कि भाई अब अब तो फ्रॉम द वर्ल्ड गो मेरे को दौड़ना hmm. है सर क्लाट ट्वेंटी की तो सब बात कर रहे हैं अपन बात करते हैं क्लाट ट्वेंटी की अब अगर किसी बच्चे को क्लाट ट्वेंटी टारगेट करना है तो उसके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का आई थिंक uh, एक मुहावरा है ना काल करे सो आज कर आज, आज करे सो अब आई थिंक uh, जब आप स्टार्ट कर लो आपकी प्रेपरेशन इम्पोर्टेंट है वो सही समय होता है आपके लिए द ओनली थिंग दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू रियलाइज दी थे क्या मुझे ये करना है hmm. अगर आपको ये रियलाइजेशन हो जा रहा है खुद से हो गया है, बहुत अच्छी बात है अगर आपने समझ लिया कि मुझे लॉ परस्यू करना है स्टार्ट योर प्रेपरेशन इमीडिएटली अगर आपको हेल्प लगती है तो प्लीज विजिट द नियरेस्ट लीगल एथ सेंटर जो आपके पास है नहीं है तो आप हमारे ऑनलाइन काउंसलिंग टीम से कनेक्ट कर लो वो आपको हेल्प करेंगे बता देंगे कि आपको करना है नहीं करना चाहिए गेट अ आइडिया प्रेपरेशन करने के लिए देखो अब दो तीन चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ें कुछ पार्ट ऑफ़ प्रेपरेशन आप खुद से अभी से स्टार्ट कर सकते हो लाइक uh, like, क्योंकि ये पेपर जो है काफ़ी रीडिंग सेंट्रिक है तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड पे, uh, पे अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करने के लिए आपको अभी से काम करना पड़ेगा राइट ठीक है आप ये काम कैसे करोगे आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर सकते हो आप मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर सकते हो आप कुछ प्रीवियस ईयरस के पेपर्स उठा के देख सकते हो सॉल्व कर सकते हो समझ सकते हो कि अच्छा ये एग्जाम होता कैसा है अपने तो थोड़ा सा फेमिलियर कर सकते हो कुछ यूट्यूब वीडियोज हैं जहां पे बहुत सारी कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं उससे आप बहुत कुछ एक आइडिया जो है वो ले सकते हो एक फेयर बिट ऑफ आइडिया लेने के बाद क्योंकि दीज आर फ्री रिसोर्सिस जो आपके पास अवेलेबल है उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अब मुझे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन करनी है और मुझे इसमें गाइडेंस लगेगी कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको लगेगा कि ठीक है मेरे को अब दिशा दिख गई है और मैं इस पर खुद से चल लूंगा मुझे बस कुछ टूल्स चाहिए से बुक मटेरियल्स, मॉक्स, टेस्ट सीरीज़ ये सब चाहिए तो वो अलग है तो उन दोनों के रास्ते अलग है अगर आपको लग रहा है कि ठीक है आप खुद से कर सकते हो ग्रेट आप करस्पोंडेंस मटीरियल ले लो पढ़ना शुरू करो सॉल्व करना शुरू करो मॉक्स लिखो अगर आपको लग रहा है कि नीटी फ्री रिसोर्सेज देख लिया समझ लिया एग्जाम को आ, अन, का एनालिसिस कर लिया है मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा इसमें क्या क्या लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा एंड मुझे इसमें एक्चुअली गाइडेंस हर एक स्टेप पे लगेगी तो फिर आप एक करेक्ट प्लेटफॉर्म पे आओ जहां पे आपको वो सही गाइडेंस ऑल थ्रू आउट योर टाइम मिलेगी एज अर्ली एज़ लोगों ने दो साल पहले से शुरू कर दिया था जब उनने एलेवेंथ स्टार्ट किया था आ, तो वहाँ से भी लोगों ने प्रेपरेशन स्टार्ट की है तो उनकी जर्नी थोड़ी स्लो स्टार्ट हुई लेकिन अभी भी वो 40, 50, 60 परसेंट पर आराम से पहुंच के बैठे हुए हैं अब है कि मेरे पास एक साल है अब मैं भागना शुरू करूँगा तो उनके लिए आप अभी से शुरू करोगे आप फिर भी थोड़ा स्लो जा सकते हो फिर नेक्स्ट ईयर आएगा फेबररी मार्च आपके ऊपर स्कूल का भी प्रेशर धीरे धीरे आना शुरू mm -hmm. हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा स्लो स्टार्ट करने का ऑप्शन कम मिलेगा uh. फिर आप जुलाई अगस्त तक आ जाओगे, फिर आपको भाग नहीं पड़ेगा <laughs> right. फिर देन यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट कि भाई अब अब तो फ्रॉम द वर्ड गो मेरे को दौड़ना uh. है इट्स अ हंड्रेड मीटर रेस नाउ सो आई थिंक सो फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू गिव अभी टॉप रैंकर्स लीगल एज इज कमिंग अप विद ऑनलाइन You know, hmm. hmm. तो hmm. hmm. तो अब आराम आप, अब आप nah, से, hmm. से तो आपको थोड़ा सा ना समझने का संभलने hmm. का टाइम मिल जाएगा जितना जितना आप डीले करोगे उतना उतना आपको कम टाइम मिलेगा अब आप तो भाई बस भागना है दौड़ो 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 भागो 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 तो इसलिए सो बट बट एट बॉटम लाइन बींग आपको ये चीज पहले समझनी पड़ेगी कि यार मुझे यह करना है कि नहीं करना वहां पे भी अगर आपको हेल्प लगती है मेक श्योर दैट यू कम टू टॉप रैंकर्स लीगल एट स्पीक टू एन ऑनलाइन काउंसलर गो टू अ सेंटर स्पीक टू द काउंसलर देयर अंडरस्टैंड कि भाई आपको लॉक क्यों करना चाहिए या जो कुछ भी आपको समझना है जो आप नहीं समझ पा रहे हो बट एक एक्सपर्ट एडवाइस ले लो hmm. बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं यूट्यूब पे अवेलेबल hmm. है इंटरनेट पे गूगल पे अवेलेबल है उनको थोड़ा सा देख लो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अवेलेबल है उनको देख लो समझ hmm. लो कि यार क्या पैटर्न है एंड देन मेक योर कॉन्शियस डिसीजन कि आपको कब से स्टार्ट, स्टार्ट करना चाहिए